दोस्तों नमस्कार, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, और फेसबुक लाइव में आप लोगों को आवाज आ रही है? क्योंकि आवाज अगर नहीं आएगी तो मैं बोलता रहूं और आप लोग बैठे रहें, कोई फायदा भी नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, आप सबको हमने बताया ही था, तो आवाज में बहुत ज्यादा व्यवधान हो रहा है। कल का लाइव अरसे बाद सही गया, और जिसमें आवाज में किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं हुई। नेटवर्क एयरटेल नंबर वन का दावा तो करता है, पर इतना खराब नेटवर्क है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सबके हैं, दोनों तीनों कंपनियों के नेटवर्क बहुत खराब हैं। तो अगर आप लोगों को आवाज आ रही हो तो हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। थैंक यू, मनोज जी कह रहे हैं, दीपक जी कह रहे हैं कि आ रही है। आज थोड़ा हम चूंकि बाइपोल हुआ है, कुछ और बात करना उचित नहीं है, और बाइपोल उत्तर प्रदेश खासकर, बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश खासकर लेकर पूरा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया भरी पड़ी है। जैसे बाइपोल ना हो, मेन इलेक्शन हुआ हो, और स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि 2014 में आप 73 सीट जीत जाते हैं अपने सहयोगियों के साथ 80 में से, 2017 में आप सरकार बनाते हैं इतनी बड़ी बहुमत की जो सोच नहीं सकते, फिर आप बाइपोल हार जाते हैं, तो चर्चा होना स्वाभाविक है, भाजपा के लिए है। आप लोगों ने एक और चर्चा देखी होगी, आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, जो प्रेस्टिट्यूट हैं, जिसको मैं पेटीकोट पत्रकार कहता हूं, वो बहुत ज्यादा खुश हैं। और कुछ पेटीकोट पत्रकारों ने खुलेआम ट्विटर पे धमकियां देना शुरू कर दिया है। धमकी, मैं वहां से शुरू करता हूं, मैं उसके उस पर आऊंगा, आपको विश्लेषण मैं आपको जो दूंगा थोड़ा डिफरेंट दूंगा, क्योंकि कई बार भाजपा के लोगों को भी चुभेगा, लेकिन अगर निष्पक्षता से विश्लेषण देना है तो देना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि पत्रकारों ने ईडी, सीबीआई, सारी जांच एजेंसियों को धमकी देना शुरू कर दिया है कि 2019 में हमारी सरकार आ रही है, तुम चिदंबरम को मत छूना, तुम हमें मत छूना, तुम मायावती को मत छूना, वरना हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। इनडायरेक्टली यही है। अब जैसे एम वेनु है, एम वेनु द वायर का संस्थापक है, वायर जो नक्सलाइट सिद्धार्थ वरदराजन थिंकिंग में नक्सलाइट उसका ग्रुप है, एंटी नेशनलिस्ट जो है वेब चैनल है, एम वेनु का नाम नीरा राडिया के टेप में आ चुका है। एम वेनु सत्ता के करीब दलाली करते रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो कार्ति चिदंबरम जो फंसे हैं, और एम वेनु चिदंबरम के बहुत क्लोज था, कार्ति चिदंबरम वाले इश्यूज में ये जो एयरसेल मैक्सिस है, इसमें एम वेनु का नाम भी आ रहा है, इसलिए एम वेनु दहशत में है। गोरख उत्तर प्रदेश बाइपोल का चुनाव परिणाम आते ही एम वेनु ने पूरे जांच एजेंसी और नौकरशाह को धमकी देते हुए ट्वीट किया कि 2019 में हम आ रहे हैं, सावधानी से, मतलब कि आप जांच को डिले करना शुरू कर दो, 2019 में हम आ रहे हैं। ये एक पत्रकार का लहजा है, सरक छाप पत्रकार। दूसरा निधि राजदान, निधि राजदान ने भी धमकी दिया, इन सब इन दो सीटों के आधार पर इन्होंने अगला प्राइम मिनिस्टर मायावती को घोषित कर दिया, और इन्होंने कहा कि अब ईडी, सीबीआई ये सब मायावती को तंग करेगी। निधि राजधान, राजदीप सरदेसाई ने गोरखपुर के डीएम को ट्विटर पे धमकी दिया। सबके ट्विटर पे आप देखेंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सागरिक, उसकी पत्नी सागरिका और उसकी सहयोगी रही बरखा ने मायावती को सुझाव देना शुरू किया कि अब अगला प्राइम मिनिस्टर आप ही। तो इस बाइपोल का आपको फिर मजा आता है कि ये जो पत्रकार हैं, बेसिकली पेटीकोट पत्रकार हैं, इनकी मनस्थिति क्या है, कैसे इस बाइपोल के लिए ये कूद पड़े हैं, अपना 2019 का जीत देख रहे हैं और पागल हो रहे हैं। उन्होंने अवलोकन नहीं किया कि सपा और बसपा के मिलने से भाजपा नहीं हारी है। पूरे दिन जो आप लोग सोशल मीडिया से लेकर बाहर तक आप लोग इसको जो एनालिसिस कर रहे हैं, उन पोल
पॉलिटिकल पंडितों को दिमाग खोल कर रख लेना चाहिए। गोरखपुर में सपा और बसपा मिलकर भी जो दोनों का वोट होता वो गोरखपुर में महान योगी आदित्यनाथ को कभी हरा नहीं पाया। सपा बसपा के जीतने से कुछ नहीं हुआ है। फूलपुर में भी 3 लाख के मार्जिन से जीते थे केशव प्रसाद मौर्य, अभी 57,000 से जो जीता है सपा का। दोनों के वोट को जोड़िए तो 4-5 हजार का अंतर आता है, दोनों के जोड़ के वर्सेस बीजेपी कीजिए। इसलिए जो आपको समझाया जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं मेन स्ट्रीम मीडिया में, इसलिए जब मैं कहानी की शुरुआत किया हूं तो वेणुगोपाल, राजदीप सरदेसाई, निधि राजदान, बरखा सागरिका से शुरू किया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो आपको प्रोजेक्ट कर रही है वही आप सोशल मीडिया में बक रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके द्वारा आप गाइडेड हैं। कम से कम 2014 का इलेक्शन अपनी आंखों से देखा है, 2017 का इलेक्शन का अपनी आंखों से देखा है, ध्यान से देखिए, सपा और बसपा के जीतने से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी असर नहीं है। इसलिए चूंकि एंटी मोदी एंटी भाजपा एक गिरोह खड़ा करना है, सोनिया गांधी 18 दलों के साथ बैठक कर चुकी है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको देना है इन लोगों को, एक मजबूत विकल्प बनाते हैं, एक मजबूत विपक्ष देते हैं। मायावती को प्राइम मिनिस्टर बनाने का एजेंडा सेट किया जा रहा है दलित वोट बड़े पैमाने पे काटने के लिए। इसलिए अभी कर्नाटक में देवगौड़ा के साथ मायावती के कॉम्बिनेशन की बात चलाई जा रही है, शुरू हो गई आज से ही, सागरिका और बरखा इन सब ने शुरू कर दिया। हिंदू वोट बैंक को कैसे तोड़ने के लिए, मायावती को आगे करने के लिए ये पूरी लॉबिंग। इसलिए आप भी कह रहे हैं सपा बसपा जुट गई, आप नहीं समझ रहे थे, और हमारे योगी आदित्यनाथ, हमारे केशव प्रसाद मौर्य भी आपको वही कह रहे हैं सपा बसपा, क्योंकि आप सब उससे गाइडेड हो रहे हैं। ओरिजिनली में मैं आपको कह रहा हूं, और कई लोग यहां कहेंगे कि आप थेथराई कर रहे हैं, कुछ लोग कहने आ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी एक किताब आज नहीं लिखी गई है, योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद आई है, इसमें एक चैप्टर है योगी का राजनीतिक हठ योग, उसको सारे लोग पढ़िए, उसमें हिस्ट्री से मिलेंगे आपको। ये पूरी लड़ाई मठ वर्सेज भाजपा हुई है, और इसमें जीत योगी आदित्यनाथ की हुई है। आप लोग हारने की बात कर रहे हैं, इसमें जीत आपके 2019 की हुई है, इस दो हार में अभी आपको नहीं समझ आ रहा। मैं आपको इंटरनल बात बताता हूं, क्योंकि मैं कई चीजों में इंटरनल रहा हूं, और इस किताब को लिखने के संदर्भ में बड़े पैमाने पे वहां एक एक व्यक्ति संगठन कार्यकर्ता सबसे मिला हूं। आपको बता दूं कि चुनाव जीतने के बाद 2017 के बाद, ध्यान से सुनिएगा, बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों को, योगी आदित्यनाथ फ्री हैंडेड काम नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा में सुनील बंसल सुपर सीएम की भूमिका में हैं। योगी आदित्यनाथ जब बैठक करते हैं अपने मंत्रियों के साथ, तो सुनील बंसल के 3-4 लोग वहां, जो मंत्रालय का पार्ट नहीं है, वो बैठ के नोटिंग करते हैं बैठक क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या चीजें होंगी, ये सुनील बंसल करते हैं। योगी आदित्यनाथ चूंकि फायर ब्रांड हैं, उनको हर जगह प्रचार में दिया जाता है ताकि हिंदू वोट नाराज ना हो। भाजपा का जो टैक्टिक्स आपको बता रहा हूं, भाजपा का जो टैक्टिक्स आप इसको समझेंगे बहुत ये, और मैं ये कोई आज के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आपको मेरी किताब पढ़नी होगी। मैं आज कोई तर्क गढ़ने के लिए हार गया तो उसके लिए कुतर्क कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग करते हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूं। आपको भरोसा ना हो मेरे पे तो आप मेरी इस किताब में एक चैप्टर, पूरी किताब को पढ़िए। मठ वर्सेस भाजपा, मैं आरएसएस नहीं कर रहा हूं, आरएसएस योगी के साथ है, पर सुनील बंसल आरएसएस से ही आए हैं, लेकिन उनके अंदर, मैं पर्सनली भी जानता हूं, मिला हूं, बुरा लगेगा कई लोगों को, उनके अंदर सुपर सीएम के अंदर, देखिए आरएसएस का होने से या
आप समाज सेवा कर रहे हैं, इसके वजह से आपके अंदर का अहंकार नहीं जाता है। जब आप 14 जीतते हैं, जब आप 17 जीतते हैं, तो आपके मन में एक सुपर सीएम की भूमिका बनती है। ये आपको मैं बता रहा हूं इंटरनल चीजें कि वहां बैठक किस तरह से होती है। आपको एक बात और स्पष्ट कह दे रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ इतने परेशान हुए कि उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। उन्होंने कहा कि मैं, मेरा मुंह पूरब की ओर है, मैं गोरखपुर की तरफ जा रहा हूं। 3 दिन लगातार आप लोगों ने देखा होगा अमित शाह को यूपी में जाकर रहना पड़ा था। योगी आदित्यनाथ एक फेयर सरकार जो होता है, जहां पे पार्टी से ही जुड़े हों या जैसे भी हों, वो कहीं भ्रष्टाचार नहीं, कहीं सांठ गांठ नहीं, उस तरह का गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। लेकिन बहुत दिनों के बाद भाजपा सत्ता में आई है, इसीलिए ठेकेदार कल्चर के भाजपाई नेता, दो जो नाम नहीं लूंगा पर आप वो 2-3 नेता आप समझते हैं, ठेकेदार कंचर के भाजपाई नेता उन सारी चीजों को, वो मैनेजमेंट वाले सरकार को चलाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ उनके लिए मजबूरी है क्योंकि हिंदू वोट उससे मिलेगा। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जब 2017 का चुनाव चल रहा था, मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं आपको, वो भी मेरी इस किताब में आपको मिलेगी। तो 2016 की आपको मैं एक बैठक का जिक्र करता हूं, वो मीडिया में आया हुआ है, इसलिए मैं जो भी कह रहा हूं वो आपको मैं बाहर की चीजें नहीं बताऊंगा, वही है जो मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए हासिल किया है। आपको बता दूं कि मार्च 2016 में गोरख मठ में एक बैठक हुई थी, जिसमें अयोध्या से लेकर सारे संत समाजों ने बैठक की थी और प्रेशराइज किया था कि अगर आप अगला चुनाव लड़ेंगे तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे, तभी संत समाज आपको सपोर्ट करेगा। ये मार्च 2016 की बात है। अगस्त सितंबर 2016 में मुझे जानकारी मिल गई थी, गवाह मेरे पब्लिशर हैं, मेरे कुछ मित्र हैं, सितंबर में मैं जाकर मिला था कि योगी आदित्यनाथ सीएम बनने जा रहे हैं। मार्च 17 में वो बने हैं, उसी वक्त हमने ये किताब लिखनी शुरू कर दी थी। इसलिए मैं जो कह रहा हूं हवा में नहीं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान से मनन करके इसको आप सुन सकते हैं। जब 2017 का इलेक्शन हुआ चल रहा था, तो पहले फेज में आप देखेंगे कि भाजपा उस सीट को अचीव कर नहीं कर पा रही थी। पहला फेज जो हुआ तो विशेष चार्टर विमान भेजकर योगी आदित्यनाथ को अमित शाह जी ने दिल्ली बुलवाया और उन्होंने कहा कि मुझे पूर्वांचल में 40 सीट चाहिए, आप जो चाहते हैं वही होगा, अर्थात सीएम आप होंगे, जो संत समाज चाहता है वही होगा। और पूर्वांचल में योगी ने 46 सीट जीत कर दिया, 40 अमित शाह ने मांगा था, 46 सीट जीत कर दिया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की जिनसे लड़ाई चल रही थी, आप देखेंगे 2002 का इलेक्शन आदित्य भाजपा के टिकट पर शिव प्रकाश शुक्ला जो हमारे अभी मंत्री भी हैं, शिव प्रताप शुक्ला जी, वो लड़े थे 2002 में भाजपा की टिकट पर। लेकिन आदित्यनाथ जी ने भाजपा के कैंडिडेट को हराने के लिए अपना कैंडिडेट एक अग्रवाल को उतारा था, निर्दलीय थे लेकिन उसको हिंदू महासभा का कवर दिया गया था। गोरखपुर में मठ वर्सेस अदर राजनीति चली है, आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। शिव प्रताप शुक्ल जी को 2002 में भाजपा के एज ए कैंडिडेट के रूप में शिव प्रताप शुक्ल हार गए और आदित्यनाथ के खड़े किए हुए कैंडिडेट जीत गए। उनका अग्रवाल है, उनका नाम डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सब मेरी किताब में है, आपको जो चीजें समझा रहा हूं मैं आज बकैती नहीं कर रहा हूं, अभी बैठकर बकैत पांडुकों की तरह आपको मैं फैक्ट दे रहा हूं। अब जब योगी आदित्यनाथ बन गए मुख्यमंत्री 2017 में, तो आदित्यनाथ को बैलेंस करने के लिए सुपर सीएम ने एक सुझाव दिया
कि शिव प्रताप शुक्ला जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया जाए ताकि आदित्यनाथ बैलेंस रहे। इसलिए शिव प्रताप शुक्ला जी को भाजपा ने, जो बियाबान में थे लंबे समय से, राज्यसभा में थे अभी, उससे पहले लंबे समय तक राजनीतिक बियाबान में थे, उनको केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। शिव प्रताप शुक्ला जी कल्याण सिंह सरकार में मंत्री थे और योगी आदित्यनाथ को जेल भिजवाने वाले लोगों में मंत्री थे। लड़ाई वहां से जो शुरू हुई थी, शिव प्रताप शुक्ल जी ने आदित्यनाथ को, तब वो जेल मंत्री थे, कल्याण सिंह की सरकार में आदित्यनाथ को उठा लिया गया था खुद भाजपा की कल्याण सिंह की सरकार ने। महंत अवैद्यनाथ ने, तब गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, लाल कृष्ण आडवाणी को महंत अवैद्यनाथ ने फोन किया और आडवाणी जी ने तत्काल योगी आदित्यनाथ को छोड़ने के लिए कहा। घेर लिया गया था पूरे मठ को। शिव प्रताप शुक्ला जी का की बड़ी भूमिका थी महंत आदित्यनाथ को गिरफ्तार करवाने में। ये तब की बात है। अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद शुक्ला जी को केंद्र में लाकर यहाँ बैलेंस, इसलिए ये सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको कि योगी आदित्यनाथ को पटरे के नीचे दबाए रखने के लिए मुख्यमंत्री बनाने के बाद से ही प्रयास शुरू हो गया था। इसलिए कहीं भी दो दो उप मुख्यमंत्री आप नहीं देखेंगे यूपी में बनाया गया, क्योंकि आदित्यनाथ किसी से नहीं संभलेंगे, भाजपा ये बात जानती है। अब वर्तमान चुनाव में आता हूं। वर्तमान चुनाव में जो कैंडिडेट भाजपा ने दिया और जो हारे हैं वो शुक्ला जी हैं, वो भी उपेंद्र दत्त शुक्ल हैं। साफ साफ मैं आपको बताऊं, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ने एज ए मुख्यमंत्री इसका विरोध किया था। इसको हमेशा पॉलिटिकल लोग और खासकर पत्रकार ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण बनाम ठाकुर, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय के रूप में गोरखपुर में प्रचारित करते रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई गोरखपुर मठ बनाम आदर्श है, ना कि ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय। गोरखपुर मठ बनाम आदर्श है। गोरखपुर मठ उस पूरे पूर्वांचल इलाका में, अभी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से भाजपा हटाकर देख ले, आप देखेंगे कि आपका जो 2019 में है आप 70 से 35 पे आ सकते हैं। पूर्वांचल की ये ताकत है। और मैंने जब किताब लिखा तो मैंने हिंदू युवा वाहिनी के पूरे अंदर तक गया, जो वो ताकत है। योगी आदित्यनाथ ने 2002 के गोधरा में जो कांड हुआ था, उसके बाद हिंदू युवा वाहिनी का जो गठन किया था, वो ताकत कमोबेश भाजपा के संगठन के पैरलर है, संघ के संगठन के पैरलर है पूरे पूर्वांचल में। इसलिए पूर्वांचल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है 2007-8 के बाद से, बाकी पूरे यूपी में होता है, क्योंकि पूर्वांचल को पूरी तरह से चेक बैलेंस करके योगी आदित्यनाथ ने रखा है। वहां कोई भी कट्टरवादी दूसरे जो मजहबी तत्व हावी नहीं हो सकते हैं। एक और कहानी बताऊं कि जब अमित शाह महासचिव थे, भाजपा के अध्यक्ष नहीं बने थे यूपी चुनाव 14 में, तो खुद जो मुझे खुद भाजपा के लोगों ने इस किताब के रिसर्च के दौरान बताया है, एक जगह काफी सारे असामाजिक तत्वों से घिर गए थे और उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मदद मांगी थी। राजनाथ सिंह मदद नहीं कर पाए थे, उन्होंने योगी को फोन किया और हिंदू युवा वाहिनी के लड़के बुलेट पे चारों तरफ से घेर लिया, अमित शाह को सुरक्षित निकाला। अमित शाह को उस दिन योगी आदित्यनाथ की ताकत का एहसास हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ने गए थे यूपी में, उनको घेर लिया गया था, राजनाथ सिंह से मदद मांगी थी, एक व्यक्ति मदद के लिए नहीं पहुंचा था। ये खुद स्वामी आपको बताएंगे ऑफ द रिकॉर्ड, राजनाथ सिंह ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। स्वामी ने जान बचा के कैसे कुछ लोग हिंदू युवा वाहिनी के, उनको सुरक्षित करके गेस्ट हाउस तक पहुंचाया और बचाया। इसलिए हिंदू युवा वाहिनी की उस ताकत को पहचानिए। मैं उसको किताब की वजह से मैं इन चीजों को समझता हूं। तो अब जब उपेंद्र दत्त शुक्ल को टिकट दिया गया, भाजपा ने टिकट दिया गोरखपुर में,
मठ ने अपना हाथ खींच लिया। योगी एज ए मुख्यमंत्री प्रचार करते रहे, लेकिन मठ ने अर्थात उनका जो हिंदू युवा वाणी मठ का जो संगठन है वो पीछे चला गया। आपने देखा कि गोरखपुर में चुनाव का प्रतिशत क्या रहा था। इसलिए उपेंद्र दत्त शुक्ल वहां से चुनाव हार गए और ये मठ की और योगी आदित्यनाथ की ये दो सीट जीत के, क्योंकि अगर शुक्ल जीत जाते तो जो सुपर सीएम है वो उसका शिकंजा और ज्यादा कस जाएगा। योगी आदित्यनाथ सिर्फ पोस्टर बॉय हिंदुत्व के रह जाएंगे, डिसीजन मेकर कोई और होगा और वो जो ठेकेदारी प्रथा है उसको चलाता रहेगा जो वो नहीं चाहते। योगी आदित्यनाथ के वहां मैं गया हूं, रहा हूं, मिला हूं, वो जो उनके इम्प्लॉय है मठ के वो उससे बेहतर कुर्सी पे बैठते हैं, उनके इम्प्लॉय बेहतर खाना खाते हैं, उनके इम्प्लॉय बेहतर चटाई चौकी पे पलंग पे सोते हैं। योगी आदित्यनाथ को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये मैं देख के आया हूं, सब इसलिए आपको बता रहा हूं। तो मैं आपको जो है 1900 आप देखेंगे कि 1989 से 1996 तक महंत अवैद्यनाथ एक सांसद के रूप में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे। 1998 से 2017 तक योगी आदित्यनाथ इसका प्रतिनिधित्व करते रहे। तो क्या आप सोचिए कि 25 साल से कोई आदमी चुनाव हार जाएगा? मरे हुए कंडीशन में भी वो जीतेगा, चुनाव हार रहा है तो ये उस योगी आदित्यनाथ की जीत है जो उस कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। और तय मानिए, योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे तो अयोध्या में मंदिर बनना भी मुश्किल होगा। योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो आज चाहे भाजपा को कोई मुख्यमंत्री होता, आपका होली बाद में ही होता। आप इस चीज को समझ रहे हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ का उपयोग भाजपा कर्नाटक, केरला, त्रिपुरा में हिंदुत्व के पोस्टर के लिए तो कर रही है कि हिंदू के लोग वोट दें, लेकिन यूपी में फ्री हैंड नहीं दे रही। इसलिए 2014 का जब चुनाव हुआ और उसके बाद फिर एक उपचुनाव, कई उपचुनाव हुए थे, उसमें भी भाजपा हारी थी। 2014 के उपचुनाव के बाद भाजपा हारी थी, उसमें आदित्यनाथ ने साफ कहा कि मुझे ठीक ढंग से प्रचार नहीं करने दिया गया, वो तो बोल देते हैं। फिर 17 में जीत गई जब इनको फ्री हैंड दिया गया। इसलिए ये जो हार है वो योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड देगा, ये साफ साफ आपको बताता हूं। जो सुपर सीएम है वो उसके हाथ कटेंगे, क्योंकि 80 सीट होती है, 80 सीट है सुपर सीएम। आपको बताया हूं कि बैठक में अनऑफिशियली कुछ लोग अगर बैठे होते हैं इसका क्या मतलब है। मैं आपको भाजपा के अच्छे पोस्ट पर बैठे लोगों से के बारे में बता रहा हूं, जिनके फोन आते जब मैं मिलता हूं यूपी के, वो कहते हैं महंत जी को ये लोग हरा के रहेंगे, महंत जी को ये लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये भाजपा के संगठन में बैठे हुए लोग, योगी सरकार के मंत्री, ऐसे लोग व्यक्तिगत बातों में कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि महंत जी के हाथ को काटने का प्रयास किया जा रहा था। इसलिए ये हार बहुत जरूरी थी। आपने देखा होगा मैंने कहीं कोई पोस्ट नहीं लिखा, क्योंकि मैं इन चीजों को आज से नहीं जा रहा हूं, पूरा रिसर्च किया, लंबा रिसर्च किया, इसलिए इन चीजों को आपको पॉलिटिकली समझना होगा। इसलिए वो जो बकायत लोग और प्रोस्टिट्यूट कह रहे हैं आपको कि प्रोस्टिट्यूट पेटीकोट पत्रकार, सपा बसपा उस झांसे में मत आइए। सपा बसपा भी योगी आदित्यनाथ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पूर्वांचल में नहीं चलेगा। और वो खेल जो अयोध्या का होने जा, जो फैसले आए हैं, इतना बड़ा है, इसको भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। हस्तक्षेप के सारे पक्ष को खत्म किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा ये सिर्फ टाइटल सूट है, अर्थात ये सिर्फ जमीन विवाद है। और जमीन विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बता चुका है सबूतों के साथ वो किसके पक्ष में है। इसलिए फ्री हैंड चाहिए, क्योंकि देखिए घर में भी होता है, इसको आप ये मत समझिए कि भाजपा और समझिए, आपके घर में भी कोई बहुत ऊंचा उठ रहा है तो आपके भाई, आपके दोस्त, आपके चाचा, आपके ताऊ, आप वो सबों का चेहरा थोड़ा डाउन हो जाता है, व्यक्ति अपने लिए जीता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग घटेंगे। राजनीति में अडवाणी जी, अटल जी का जब कद घटा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बढ़े।
इसलिए राजनीति का ये चरित्र है, इसको इमोशनल लेने की जरूरत नहीं है, इसको ये नहीं कहना ये बुजुर्ग और ये वो। राजनीति में जब तक कोई डाउन नहीं होगा दूसरा अप नहीं होगा, इसलिए ये खेल है, राजनीति एक खेल है। राजनीति सीधे ढंग से अगर चलती तो नाम राजनीति नहीं होगा। इसलिए आपको शुक्ला जी का बताया, उदाहरण दिया कि वो शुक्ला जी जिसने योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करवाया था, वो शुक्ला जी को योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकाएक नरेंद्र मोदी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया, जो शुक्ला जी बियाबान में पड़े हुए थे बरसों से। ये एक मैसेज देने का की कोशिश होती है। इसलिए सत्ता के परे जो लोग सुपर सीएम की भूमिका में, और आपको समझना होगा कि दो दो उप मुख्यमंत्री कहीं नहीं दिया गया है, अर्थात ये आदमी को कौन कंट्रोल करेगा, आप समझ रहे हैं, इसको कौन कंट्रोल करेगा। इसलिए दो उप मुख्यमंत्री एक सुपर सीएम, तो ये आदमी अगर काम कर रहा है ये आप क्या सोचते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, तब मैं जर्नलिस्ट था नई दुनिया में, नितिन गडकरी जो भाजपा अध्यक्ष थे उनके खिलाफ भाजपा के अंदर से ही फाइल चलाई गई थी। जब वो अध्यक्ष पद से हट गए फाइल बंद हो गई। योगी आदित्यनाथ का जो गोरखपुर और ये सब एजेंडा, अगर जो वहां के पत्रकार और सारी मीडिया में दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है। इसलिए आप एसपी और बसपा की जीत मत समझिए। एसपी बसपा मिलके भी योगी को पिछले जो 1998 से नहीं हरा पाए थे, ये दोनों के मिलके वोट देख लीजिए। एक बार 1999 में कोशिश भाजपा ने भी किया था, तब योगी की जीत का अंतर मात्र 7,000 था, लेकिन जीते थे। लेकिन 99 के बाद उन्होंने कहा कि ये संगठन मेरी मदद तो नहीं करेगा, उन्होंने संगठन के लिए स्तर पे सोचा। इसलिए पूरे, और आपको और बता दूं, भाजपा वर्सेज हिंदू महासभा की लड़ाई गोरखपुर में चलती रही है। महंत अवैद्यनाथ भाजपा के कभी भी सांसद नहीं थे, वो हिंदू महासभा से चुनाव लड़ते थे। महंत दिग्विजय नाथ भाजपा और आरएसएस पे आग उगलते थे, हिंदू महासभा वर्सेज भाजपा होता था, वहां पे संघ होता था। वहां पे पहली बार महंत अवैद्यनाथ ने और संघ ने मिलके हिंदू महासभा और आरएसएस की लड़ाई को खत्म किया और योगी आदित्यनाथ को सर्वसम्मति से उसका चुनाव किया। आपको मेरी किताब में एक फोटो मिलेगा, मोहन भागवत जी जब जाते हैं गोरखपुर मठ में, तो वो आज भी महंत योगी आदित्यनाथ का पैर छूते हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहां माना जाता है कि वहां के मठ के महंत में गोरखनाथ जी का वास है। इसलिए गोरखपुर में गोरख मठ का सहयोग जिसको नहीं होगा वो हमेशा हारेगा, क्योंकि मैं वहां के जनता से मैंने बात किया था, वो कहते हैं कि चुनाव गोरखनाथ बाबा लड़ रहे हैं, ये भी मेरी किताब में है, चुनाव गोरखनाथ जी लड़ रहे हैं, उनको कैसे हरा सकते हैं। इसलिए अगर गोरखनाथ मठ का सपोर्ट नहीं है वो कोई भी नहीं जीत सकता, वहां से चाहे खुद पीएम खड़े हो जाए, मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि धर्म की जो आस्था है वो बड़ी है। इससे गोरखनाथ मठ का प्रतिनिधित्व इस बार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा था कि मठ की तरफ का कैंडिडेट अगर नहीं होगा तो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको नहीं माना और उनको लगा कि यही तरीका है यहां से योगी को बाईपास करने का। वो तो सीएम है, अपना सीट कोई कैसे हारेगा, उसका मुंह काली हो जाएगा, उसका इमेज डाउन होगा, और इसलिए उन्होंने वहां से शुक्ला को चुनाव में खड़ा कर दिया। लेकिन वो भूल गए कि ये हठ योगी है, हठ योगी नाथ पंथ की सबसे बड़ी विधा है, वो खुद सीएम रह के अपना सीट हरा सकता है। हठ योगी क्या होता है ये भी आपको मेरी किताब में मिलेगा, इसलिए चैप्टर का नाम ही है योगी का राजनीतिक हठ योग। इसलिए आपको बता रहा हूं, फूलपुर पे मैं बात करूंगा, फूलपुर के लिए थोड़ा सा समय मात्र लूंगा। फूलपुर के लिए केशव प्रसाद मौर्य अपनी पत्नी के लिए टिकट चाह रहे थे, वो नहीं मिला, तो वो वहां गए, प्रचार किया है, लेकिन जब
पत्नी को टिकट नहीं मिला, एक बाहरी कैंडिडेट को आया तो हारना तो था, क्योंकि और यह भी लड़ाई थी कि उसका गोरखपुर हमको हराना है, इसका फूलपुर हमको हराना है। एक दो सीट के लिए आप लोग दुखी मत होया कीजिए, रोया मत कीजिए, राजनीति है, इसको मजा लीजिए राजनीति का। राजनीति को जब तक आप मजे में नहीं लेंगे आप रोते रहेंगे। कई लोग मैसेज में आ जाते हैं, भाई साहब हार गए, मर गए जी। अरे तुम तो करता नहीं हो भाई, ना तुम वोटर हो, ना तुमने चुनाव लड़ा, ना तुम्हारा संगठन में कोई रोल है, ना तुम कहीं कुछ पार्टी में हो, ना कोई संघ में हो, कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा, तुम अपने आप बकवास कर रहे हो, हार गया हम, मर गए हम। कृष्ण को तो मानो, जब तुम करता नहीं हो तो क्यों रो रहे हो। राजनीति का मजा लेना सीखिए, राजनीति वो नहीं है जो दिखता है। इसलिए ये बकैत आपको समझा रहे हैं, बसपा सपा नथिंग नथिंग। 2019 के लिए अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं 80 में 80 जीतूंगा, इस शब्द को समझ रहे हैं आप, इस शब्द का है ये, डायरेक्ट कह रहे हैं पीएम मोदी को, अमित शाह को और भाजपा संगठन को, कि अगर मुझे फ्री हैंड खेलने दोगे तो 80 में 80 जीत के दूंगा, अगर मेरे पर काटोगे तो गोरखपुर और फूलपुर बना दूंगा, क्योंकि मैं तो मठ का महंत हूं ही, मैं तो निर्दलीय भी खड़ा होऊंगा तो गोरखपुर का सांसद हूं ही। ये साबित किया है अपने निर्दलीय प्रत्याशी को जिताकर। इस बात को समझिए, इसलिए हिंदुत्व सोचते हैं, देश सोचते हैं, तुष्टिकरण के खिलाफ सोचते हैं, राम मंदिर के लिए सोचते हैं, तो इस हार का स्वागत कीजिए। और मैं कोई बकैती नहीं कर रहा, क्योंकि आज परिणाम आया है, ये सारी बातें मेरी किताब में पहले से है। जैसे कल आपको बताया था सतीश वर्मा के बारे में, सीबीआई अधिकारी ने जो गुजरात के पूर्व सीएम नरेंद्र मोदी को उठा लिया था, वो मेरी किताब में 2013 से है, सतीश वर्मा का पूरा खुलासा। इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो आज सोशल मीडिया, और दूसरी बात, मैं सोशल मीडिया पे कहीं से प्रकट नहीं हुआ, मैं 15 साल पत्रकार भी रहा हूं, और मैं पत्रकार को बीमारी को जानता हूं, वो क्यों खेलता है, क्योंकि मैं उनके बीच रहा हूं, और अब मैं सोशल मीडिया पे हूं। इसलिए दोनों तरह की मानसिकता बहुत कम लोगों में आती है, मैं दोनों मानसिकता के साथ हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। यहां जो लोग विशेषज्ञ बनते हैं उनके कोई सोर्स कहीं डेवलप नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर देखते हैं उछल कूद के कूद पड़ते हैं। कुछ लोग अकुंठित हैं, असंतुष्ट हैं कि उनको उनको धंधा पानी नहीं मिला इस सरकार में, इसलिए बात बात में गाली गलौज करते हैं, कहने को वो हिंदुत्ववादी हैं, कहने को वो राष्ट्रवादी हैं, असल में वो कहने को कीड़ा हैं, जिनकी अपनी स्वार्थ के लिए बात बात में कूद पड़ते हैं, टपक पड़ते हैं, कुछ खुद ही मनाना शुरू करते हैं, हार जाए तो कूदने लगते हैं। ये विक्षिप्त मानसिकता का द्योतक, आपका स्वार्थ अपने छोटे से उद्देश्य के लिए है तो भारत और हिंदुत्व को कौन देखेगा। आप तो, आपको किसी नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने ये कहा तो नहीं था कि तुम मेरे लिए सोशल मीडिया पे लिखो, प्रचार करो, किसी ने नहीं कहा था ना आपको। आप तब अपने बचाव के लिए आए थे क्योंकि हिंदू को आतंकवादी लिखा जा रहा था, आप तब अपने बचाव के लिए आए थे क्योंकि भारत पे चीन पाकिस्तान सब हमला कर रहा था, आप तब अपने बचाव के लिए आए थे क्योंकि भारत को 52 लाख करोड़ लूटा जा रहा था, और आज आपको स्वार्थ नहीं पूरी हो रही है तो आप भाजपा संघ न ये वो। ऐसे लोगों को पहचानिए, गेहूं में से घुन को चुनना सीखिए और राजनीति के मजे लीजिए। आइसक्रीम जैसे खाते हैं मजा लेते हैं, राजनीति के मजे लीजिए। आपने राजनीति में मुझे रोते देखा, इतना लंबा पोस्ट मेरा पढ़ते हो देखते हो, कभी रोते देखा मुझे? ना मैं करता हूं, करता मतलब जो कार्य करने वाला ना, अर्थात ना मैं उस उत्तर प्रदेश का वोटर हूं, ना मैंने चुनाव लड़ा, ना किसी को लड़वाया, ना मैं संगठन में हूं, ना मैं पार्टी में हूं। रो रहे हो जैसे तुमको बहुत कुछ सुन रहा है, इसलिए रो रहे हो। मजे क्यों नहीं लेते बीवी बच्चों के साथ? आप मस्त रहिए, खेलिए कूदिए, जब आपको वक्त आएगा वोट दीजिए, जो अच्छा लगता लिखिए, रोते क्यों भाई? ये राजनीति की बहुत बड़ी खूबी है, हारना पड़ता है बड़ी लड़ाई जीतने के लिए। ये चुनाव हारा गया है और हार कर इसमें योगी आदित्यनाथ जीते हैं, तय मानिए पोस्टमार्टम होगा और सुपर सीएम के कदों में कमी आएगी। आज मैं आपको इतना ही कहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल सोचा, ऑलरेडी डिटेल कह दिया, लेकिन आप लोगों से एक विनती जरूर करूंगा कि ये आप कहोगे कि अपना किताब सेल कर रहा है, नहीं, मैं चीजों को समझा रहा हूं ताकि आपको समझ विकसित हो, ताकि कोई राजदीप, कोई वेणु, कोई सागरिका, कोई बरखा आपको ये न कहे कि सपा बसपा,
आप समझ रहे हैं, किताब को एक बार राजयोगी को जरूर पढ़िए, क्योंकि मठ की राजनीति यूपी में आगे 10 साल की और बड़ी राजनीति होने जा रही है अयोध्या और सब लेके, इसको समझना जरूरी है यदि आप इसको पढ़ेंगे। इसलिए आज आप मुझे बहुत इनबॉक्स लोगों ने भर दिया, मैंने कहा भैया अपना काम करो, मुझे मजे लेने दो, मैं तो गाना सुन रहा हूँ, गजल सुन रहा हूँ, मेरे को क्या लेना। क्योंकि मैं जानता था, मैं पहले दिन दिन से जानता था, ये चुनाव अगर योगी आदित्यनाथ नहीं हारे, गोरखपुर नहीं हारे, तो हम सबके लिए दिक्कत आने वाली है। ये चुनाव ये हार नहीं है, ये जीत है, ये अखिलेश भी जानता है, ये मायावती भी जानते हैं, ये बकायद भी जानते होंगे शायद, लेकिन वो एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, क्योंकि पुतना राक्षस ये जितनी राक्षस राक्षसनियां थी वो भ्रम ही तो पैदा करते थे। इन राक्षसों को भ्रम पैदा करने वाला मानिए और चुपचाप चैन की नींद सोइए, मजा लीजिए, राजनीति मजे लेने की चीज है। थैंक यू सो मच।